हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो री एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। ऐसे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने हैं, साथ ही यहाँ पर एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना है। याद रखिए, यहाँ पर 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। कितने टाइम तक सेंटर पर पहुँच जाना है, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, साथ ही यहाँ पर कौन एग्ज़ाम दे सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की कि क्या ले जाना है। पहली बात तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो दोबारा से जनरेट होगा, यानी जो पहले आपका एडमिट कार्ड था, क्योंकि पहले आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो यहाँ री एग्ज़ाम का दोबारा से एडमिट कार्ड आएगा। दूसरी बात, कलर में कर सकते हैं या प्रिंट में, तो जैसा भी आप चाहें, कलर्ड में या ब्लैक एंड व्हाइट, जैसा भी आप चाहें एडमिट कार्ड ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ मांगी गई थी, बाकी एक आपकी फ़ोटो मांगी गई थी पिछली बार एडमिट कार्ड पे लगाने के लिए। तो इस बार भी आप 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि इस बार भी आपसे 2 फ़ोटोग्राफ मांगी जा सकती हैं, एक एडमिट कार्ड पे लगने के लिए और एक आप अपने जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उस पर जाने के लिए। बात करते हैं यहाँ पर वैलिड आईडी प्रूफ की। तो वैलिड आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए उसमें आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए। याद रखिए, ये ऑथोराइज फ़ोटो आईडी है, ओरिजिनल ले जानी है। ये नहीं है कि आप अपने मोबाइल पे ले गए, क्योंकि मोबाइल तो ऑलरेडी बाहर रख दिए जाएंगे, कोई फोटोकॉपी नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपके फॉर्म में नॉन आधार मेंशन है, यानी आपने आधार की डिटेल नहीं दी है, या आधार की डिटेल दी है लेकिन वो वैलिड नहीं है या फिर वेरीफाई नहीं है, तो वहाँ पर नॉन आधार आ जाएगा। तो नॉन आधार का फॉर्म आएगा, वो आप फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इन केस अगर कहीं आपका सरनेम चेंज हुआ है, आपकी मैरिज हुई है या किसी लीगल वजह से आपका सरनेम चेंज हुआ है, डॉक्यूमेंट से अलग है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाना है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। PWD सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको ले जाना है। याद रखिए, PWD जो सर्टिफिकेट है उसको ले जाना ज़रूरी है, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। रिपोर्टिंग टाइम, आप जैसे मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है 9 से 12 का है, तो कोशिश करिए कि किसी भी तरीके 7:30 बजे तक तो पहुंच ही जाए। इन केस मान लीजिए 10-15 मिनट 20 मिनट लेट हो जाता है तो 8 बजे तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन यही कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी 7:30 बजे तक पहुंच जाए। यानी कहने का यह मतलब है 2 घंटे का टाइम इन्होंने बोला है, लेकिन आप 1 से 1.5 घंटा पहले भी आ सकते हैं। आधे घंटे का जो टाइम है वो उससे पहले ही यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पर क्लोज कर दिया जाता है चेकिंग होने के बाद में, तो इसलिए कोशिश करिए जल्दी ही पहुंचने की। 7:30 या 8 बजे तक आप किसी भी हालत में, यानी एग्जाम के 1 से 1.5 घंटा पहले जरूर पहुंचिए। अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए, इन्विजिलेटर को चेक करा लीजिए अपनी सारी डिटेल। उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए कि आपको जो सीट अलॉट हुई है वो आपकी है या नहीं, क्वेश्चन पेपर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं, पेन अपने साथ आप ले जा सकते हैं। री एडमिट कार्ड जनरेट होगा जिसमें आपका नया रोल नंबर होगा, ये मत सोचेगा कि पुराना रोल नंबर से होगा, नहीं, नए रोल नंबर से होगा। उसके अलावा जिन्होंने जून 2024 का जो एग्ज़ाम दिया है उनका तो एडमिट कार्ड आएगा ही, लेकिन मान लीजिए किसी रीज़न से आपने एग्ज़ाम नहीं दे पाए, एब्सेंट हो गए, नहीं दे पाए, उनको भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, यानी वो लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है वो जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उन सभी को ही एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो आप लोग इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है, जो जून में आपने पढ़ा था, तो काफ़ी हद तक आपका रिवाइज भी है, तो इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। और एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।